सो हाय गाइस, जय जिनेंद्र, वेलकम टू सी ए व्लॉग वाला। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा, विल बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आस्क इन बिग फोर जीडी और बिग फोर इंटरव्यूज। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन पार्ट जो इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो उसमें से सबसे पहले अपन अकाउंटिंग की बात कर लें। अकाउंटिंग में एएस मतलब प्रायोरिटी पे आप पढ़ लेना। चैप्टर्स अगर आप नहीं पढ़ोगे एक बार, मतलब तो भी नहीं पढ़ोगे चल जाएगा काम, बट एएस से तो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। एटलीस्ट मिनिमम एक एएस तो आपसे पूछेगा पूछेगा, दो भी पूछ सकता है, तीन पूछ सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट कॉमन एएस जो पूछा जाता है जनरली, जो है AS2, दैट इज इन्वेंट्री। AS2 में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और AS2 को मेजरमेंट करने के क्या रूल्स और कंडीशन अपने प्रिस्क्राइब्ड है, और रॉ मटेरियल को मेजर करने के लिए क्या रिप्लेसमेंट कॉस्ट और क्या वो कॉस्ट विच आई और उसका क्या रूल होता है जो एक्चुअली में AS2 में बता रखा है। और NRV मतलब NRV मेरे से पूछा था कि आपकी NRV किस दिन की लेंगे, तो वो भी आप एक बार रेफर कर लेना AS2 में, क्योंकि AS2 क्या है, एकदम बेसिक्स है। आपको इन्वेंट्री हर जगह, हर आप प्रैक्टिकल में देखोगे तो हर आपको इंडस्ट्री में इन्वेंट्री मिल जाती है, तो वो तो पूछते पूछते हैं। और एक AS16 जो बोरिंग कॉस्ट का रहता है, उसकी डेफिनेशन मेरे से पूछी जा सकती है। और एक आपको खुद से ही हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि आपको कौन सा इंडेक्स अच्छे से आता है, उसके बारे में बता दो, क्योंकि मेरे से ऐसा पूछा गया था और मैंने AS16 बोला था, तो उससे उन्होंने AS16 से पूछा था। तो आप एक AS2 के अलावा एक और ऐसा इंडेक्स तैयार कर लेना जो आपको एकदम प्रॉपर आता है और उससे आप एकदम जवाब दे पाओ, क्योंकि AS2 तो सबसे पूछेगा। AS2 तो कॉमन हो गया ना, एक AS2 मतलब बींग द फर्स्ट AS, तो और इन्वेंट्री इज द मेन पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, सो वो वाला कॉमन है। AS पढ़ना जरूर, चैप्टर का अगर आप नहीं भी देखोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि AS प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और आपसे कोई एंट्री नहीं पूछेगा वहाँ पे बैठ के, क्योंकि सबको पता है अपन ने अभी तक प्रैक्टिकल नॉलेज ली नहीं, अपन ने सिर्फ बुकिश लैंग्वेज या बुकिश नॉलेज ली है, तो अभी इतना ढंग से नहीं आएगा वो। आप धीरे धीरे प्रैक्टिकल में जाओगे तो आपको आराम से आ जाएगा ये सब एंट्री वेंट्री। आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि हाँ आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है या नहीं है बस अकाउंटिंग में, तो सिर्फ ये ध्यान देगा। AS पढ़ लेना, जो एडवांस के AS होते हैं और इंडेस एडवांस के AS और अकाउंटिंग AS, उन दोनों पर थोड़ा सा फोकस दे लेना। और अपना एक EPS वाला ऐसे ही पूछ लिया था मेरे से कि पोटेंशियल कौन से होते हैं, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स जो अपने डायरेक्टली EPS में काम होते हैं, तो एक उसको भी रेफर कर लेना। अकाउंटिंग में तो शायद इतना ही मतलब कवरेज रखेगा, क्योंकि उसको 30 मिनट में पूरा देखने का रहता है किससे। 30 मिनट में आपसे तीन चीज़ें पूछेगा मेन, ऑडिट, अकाउंट्स और थोड़ा सा लॉ का, तो वो तीन उसको टाइम मैनेज करने के लिए इतना ही पूछेगा इससे। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड सब्जेक्ट डेट इज ऑडिट। ऑडिट से वो बेसिक मतलब बेसिक तो नहीं, थोड़ा सा घुमा सकता है ऑडिट में, क्योंकि उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अगर आप स्टेट ऑडिट में जा रहे हो तो हाँ, इस ऑडिट थोड़ा ढंग से पढ़ के जाना, क्योंकि आपका फील्ड ही रहेगी तो आपको थोड़ा घुमाने का प्रैक्टिकल वो आपको केस देगा, तो थोड़ा सा आराम से साफ साफ रह के आप आंसर को सोच के आराम से देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AS में आप ऑडिट में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, SS पूछ लेगा, जो 300 वाली सीरीज होती है और जो 500 वाली सीरीज होती है वो वाले SS पूछ लेगा। एब्सोल्यूट अश्योरेंस और रीजनेबल अश्योरेंस में डिफरेंस क्या होता है और उसकी डेफिनेशन एक्चुअली में क्या होती है। और ऐसे मेरे से ऐसे पूछा था SA 705, जो अपना मॉडिफिकेशन वाला रहता है ना, मॉडिफिकेशन पैरा कब देते हैं, मॉडिफिकेशन पैरा क्यों जाता है और कब कब मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और मॉडिफिकेशन तो क्वालिफिकेशन कितनी तरह की क्वालिफिकेशन होती है वो भी पूछ सकता है आपसे। और एक मेरे से ये भी पूछा था कि ऐसे जो 505 रहता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन वाला, उसके दो तरीके होते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नल और नेगेटिव एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, तो वो वाला भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह से रहता है ना कि पॉजिटिव ऐसे जाएगा और नेगेटिव ऐसे जाएगा, तो जिसमें डिफरेंस आता है वो वाला जरूर जरूर पढ़ लेना एक बार। चैप्टर्स इतने रेलेवेंट नहीं रहेंगे, और वो NPA वाली कंडीशंस भी जरूर से पढ़ लेना, वो 90 डेज वाली और जो भी उसमें ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट ये सब दे रखा है उसकी भी कंडीशन याद कर लेना, ताकि उससे आपको सही लगे कि हाँ अपने साइड से अपन सेफ रह के चले। तो जो मेन मेन चीज़ें वो वाली आप एक बार देख लेना ऑडिट्स में, मतलब SS तो एक बार नाम नाम पर तो पढ़ ही लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मतलब ऑडिट में बोलूँ कि मैंने जहाँ जहाँ दिया ना ऑडिट में मेरे से पूछा गया ये वाला पार्ट, डेट इज़ कारो 2020। आप मेरे से डिफरेंस पूछा गया था कारो 2020 और जो प्रीवियस है 2016 वाला कारो है, बट मैंने उनको साफ बोल दिया था कि डेट कारो 2016 इज नॉट इन आवर कोर्स, सो आई डिडंट स्टडी डेट पार्ट। तो उन्होंने बोल दिया था चलो ठीक है डिफरेंस में बताओ, बट आप कारो 2020 के 22
पढ़ ही लेना, मतलब इन डेप्थ नहीं तो कम से कम आप उसके नाम तो लर्न कर लेना, उसमें कितने क्लॉज होते हैं, 21 क्लॉज, शायद 21 22 ऐसे कुछ क्लॉज होते हैं, उसके नाम नाम पढ़ लेना, और एक एक लाइन भी आप बता दोगे ना तो ठीक है, आपको काम हो जाएगा, आपको सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि कारो अपने देखोगे तो इतनी कोई बड़ी लिमिट नहीं है, एक एक 10 वाली लिमिट है, तो कारो मोस्टली लग जाता है, आप करोगे या तो बिग फोर में जाओगे तो मोस्टली आपको कारो हर जगह मिलेगा बिग फोर में, तो क्योंकि कॉमन है वहाँ पे, थोड़ी लार्ज कंपनी रहती है, तो कारो आप उसकी कंडीशंस पढ़ लेना, उसमें क्वालिफिकेशन का भी एक लास्ट में पैरा आता है शायद, क्लॉज आता है 15 16 ऐसा कुछ आता है, तो वहाँ पे भी आप पढ़ लेना वो वाला क्लॉज पढ़ लेना, और शुरू के जो इन्वेंट्री पीपी वाला रहता है, गारंटी डिपॉजिट लोन विलफुल डिफेक्ट विलफुल डायरेक्टर वाला विलफुल डिफॉल्टर वाला, तो वो सब के आप नाम पढ़ के और एक एक लाइन बता दोगे ना उनमें कि इन्वेंट्री में ऐसा है 10% से ज़्यादा रिवेल्यू है पीपी में, तो वो सब आप बता देना, उससे वो इम्प्रेस हो जाएगा काफ़ी, तो उससे आपका मतलब चांसेस ज़्यादा रह जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ऑडिट ही अपना बेस है, अपन चाहिए ऑडिट में रहे तो उससे आपका सही रह जाएगा, ऑडिट वाला जरूर से करके जाना अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको। टॉकिंग अबाउट द थर्ड सब्जेक्ट इज लॉ, जो आपसे टाइम बचा तो पूछेगा बट इतना कोई ढंग से नहीं पूछेगा लॉ आपसे, मतलब थोड़ा थोड़ा ओवरऑल ओवरऑल पूछेगा, मतलब एक डेफिनेशन में से पूछेगी केपीएमपी, केएमपी की डेफ, केपीएमजी नहीं, केएमपी की डेफिनेशन क्या होती है, जो 252 में बता रखी है, तो वर्ल्ड डेफिनेशन पढ़ लेना, CFO CEO मैनेजिंग डायरेक्टर या एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब वाली वो बता देना, वो पूछेगा, क्योंकि केएमपी थोड़ा सा मतलब रेलेवेंट टर्म रह जाती है ऑडिट के पर्पज़ से भी और लॉ के पर्पज़ से भी देखोगे तो, और सेक्शन 143 जो ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑडिटर रिपोर्टिंग वाला है वो पढ़ लेना, उसमें मतलब जो टर्म्स बताई गई है वो जो 10 12 जो भी पॉइंट थे होते हैं सेक्शन 143 शायद चैप्टर 10 में मिल जाएगा आपको लॉ वाली बुक्स में, लॉ वाली जो बुक है कंपनी लॉ वाली, तो वो वाला पढ़ लेना, और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और जो कूलिंग पीरियड रहता है इसकी थोड़ी सी मतलब ढंग से पढ़ लेना, कूलिंग पीरियड वाला उससे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, और अपॉइंटमेंट वाला तो पूछ ही सकता है कि भाई कब कब कैसे कैसे अपॉइंटमेंट कर सकते हो, रेटिफिकेशन चाहिए ऑडिटर में मतलब, और रिमूवल और अप्रूवल दोनों ही पढ़ लेना मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि दोनों ही थोड़ा सा लिंकिंग है तो उससे आपके लिए सही रह जाएगा। और कुछ अपने से पूछ सकता है कि अपने कुछ कुछ मतलब जैसे एप्लीकेबिलिटीज आती है ना जहाँ जहाँ पे, कि इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी क्या है, या कॉस्ट ऑडिट की तो नहीं पूछेगा इतना कोई रेलेवेंट नहीं रहता, पर इंटरनल ऑडिट की क्या एप्लीकेबिलिटी है वो भी मेरे से पूछा था अपने बिग सिक्स वाले जो एक मैंने फर्म में अप्लाई करा था, तो उसमें पूछा था मेरे से इंटरनल ऑडिट की क्या एप्लीकेबिलिटी है, तो उसकी 25 50 100 200 वाली जो एप्लीकेबिलिटी वो आप बता देना, सो डैट कि हाँ अपन आपकी हेल्प हो ही जाएगी। टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंस, मतलब क्वेश्चन से हटके थोड़ा इंटरव्यू वाले पार्ट से हटके, बी फॉर्मल्स मतलब ट्राई करना आप फॉर्मल्स में अटेंड करो अपना इंटरव्यू, और बी कॉन्फिडेंस मतलब उसने मेरे को भी घुमाने की बहुत ट्राई करी थी, मैंने उससे उसने मेरे से कारों का पूछा था, और है ना उसने मैंने शायद है ना दो क्लॉज मर्ज कर दिए थे, मतलब जो पीपी और इन्वेंट्री वाला था मैंने नहीं मैंने मर्ज नहीं करे थे, वो मेरे को बोल रहा था कि आपने मर्ज कर दिए मर्ज कर दिए, तो फिर मैं क्या करता हूँ उससे मैंने बोल दिया कि हाँ मैंने मर्ज कर दिया ओके, तो वो वाला है कि मतलब फिर मैंने पढ़ा था कि भाई एक्चुअली वो मर्ज नहीं थे वो वाले क्लॉज, तो आप बी कॉन्फिडेंट मतलब जो बोलो तो एकदम बोल देना कि हाँ सही है, एक बार पहले खुद कॉन्फिडेंट हो फिर ही बोलना, ऐसे गलत गलत मत बोल देना कि हाँ सही है सही है, तो उससे नेगेटिव इंप्रेशन पड़ जाएगा पॉजिटिव ही लगेगा। बी कॉन्फिडेंट रहना, वो आपको डराना डराने का ट्राई करेंगे कि भाई आपको कि लगे कि आप गलत हो, बट हो सकता है आप सही हो, तो बी कॉन्फिडेंट वहाँ पे बहुत सही काम आएगा।